अब पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कोई ठीक से पहन पाती थी, अभी मत समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सबके सब कितना बढ़िया पहनती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब भी महिलाओं का नाम आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह क्या बोल देते हैं। महिलाओं को देखते हैं, अब पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कोई ठीक से पहन पाती थी, अभी मत समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सबके सब कितना बढ़िया पहनती, अब क्या हालत है इसको भूलिए मत। लेकिन तब हम लोग तो काम किए हैं, अब पहले काम नहीं हुआ है उसको भूलिएगा मत, नहीं तो एक बार अगर उसको भूलिएगा फिर इस तरह के लोगों को मौका मिलेगा तो खाली कमाते रहेगा और कोई काम नहीं होगा, इसलिए लोग चाहते हैं इस काम को करिए। और मुस्लिम लोगों के लिए भी कितना काम हम लोगों ने करवाया, सारा काम हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कराया, बता दिया था कब्रिस्तान की घेराबंदी वाला काम कराए, तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया है। और मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब तरह से जो महिलाओं को लोग खोज देते हैं तो आप मुख्यमंत्री जी आप क्या बोलते हैं महिलाओं को लेकर जो बातें आप कह रहे हैं वो आजादी के पहले भी इस तरीके की तस्वीरें नहीं हुआ करती थी। जो बातें आप कह रहे हैं कि 2005 के पहले महिलाओं का उत्थान के लिए आपने क्या कुछ किया है, मुख्यमंत्री जी आपको इस बात का लिहाज होना चाहिए। जिस महिला को देखकर आप बातें कर रहे थे वो आपकी कैबिनेट की मंत्री थी और आप तो यह कह रहे थे कि मंत्री तक को कपड़ा पहनने का सुरूर नहीं होता था, ना मिलता था, मतलब क्या है। मुख्यमंत्री जी हम आप पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि हम आधी आबादी के अस्तित्व को जो आप बचाने की बातें कर रहे हैं, उनको ढकने की बातें कर रहे हैं, उनके पहनावे की बातें कर रहे हैं, हम ये सवाल आप ही पर छोड़ जाते हैं कि क्या मंच पर एक महिला मंत्री को बिठाकर नीचे सैकड़ों की संख्या में आप ही ने कहा कि महिलाएं सुन रही हैं, आप उनके कपड़ों को इतनी बारीकी से देख रहे हैं। 2005 के पहले अगर कोई महिला कपड़े नहीं पहनती थी, इसका प्रमाण 2005 के बाद यह है कि आपकी मंत्री कपड़ा पहनती हैं, इसलिए बाकी लोग भी कपड़ा पहनने लगा। यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है। कपड़ा पहनने से किसी मंत्री के बातों से किसी मंत्री को जोड़ने का मकसद क्या था। यह बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह थी जिनको आप मंच पर बोल रहे थे, जिनकी तरफ देख के आप बातें कर रहे थे। मंत्री जी यह सुनकर आपका विरोध नहीं की, लेकिन आपकी बातें सुनकर वो झेप गई, बोल नहीं पाई, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार विधानसभा में आप महिलाओं को पुरुषों को सेक्स एजुकेशन की बातें कर रहे थे, जब ज्ञान की बातें बता रहे थे। दुर्भाग्य से यही मंत्री उस वक्त भी सदन में पिछली कुर्सी पर बैठी हुई थी, उस बेंच पर बैठी हुई थी और उस वक्त भी ये आपकी बातें नहीं सुनी थी, बस सर झुका ली थी और आज भी आपकी बातें सुनकर सर झुका ली। मुख्यमंत्री जी महिलाओं के उत्थान के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन प्रचार प्रसार के मामले में आपके शब्दों के चुनाव और चयन करने का एक दायरा भी होना चाहिए। आप जिस तरीके से महिलाओं के पहनावे की बात करते हैं और विरोधियों के ऊपर सवाल उठाते हुए आप महिलाओं के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। 2005 के पहले महिलाएं क्या नहीं पहनती थी, क्या पहनती थी, आज कई ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, जो नए वोटर हैं वो नहीं देखे होंगे और शायद 2005 के पहले भी ऐसा कम ही होता होगा कि जहां महिलाएं कपड़े नहीं पहनती होंगी, पहनती होंगी नहीं पहनती होंगी उस विवाद में हमको नहीं जाना है। आपने अच्छा काम किया, आप सूबे के मुख्यमंत्री थे, आपको जिम्मेवारी मिली थी, लोगों ने जो कपड़े नहीं देते थे उनसे नाराजगी में उनको सत्ता से बेदखल किया था, उनको सजा दी थी, लेकिन आप कपड़ा पहनाकर रोज रोज इन मंत्री महोदया जैसे नेताओं को रोज जो जलील करते हैं मुख्यमंत्री जी, ये जवाब कौन देगा।
जिन महिलाओं के उत्थान की बात आप करते हैं, जिन महिलाओं के भविष्य बेहतर बनाने की बातें करते हैं, जिन छात्राओं के, जिन लड़कियों के भविष्य की सपना देखने की बातें आप करते हैं, जब भी महिलाओं के उत्थान की बातें होती है फिर आप कहां चले जाते हैं? मुख्यमंत्री जी, आप ही से सवाल है। जनता दल यूनाइटेड के चुनाव प्रचार कंपेन के सबसे प्रमुख चेहरा ही आपसे जिम्मेवारी है। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी होते हैं वो आपके बयानों को भी काफी गंभीरता से लेते हैं और देश के लोग भी लेते हैं, लेकिन आपके बयान जब भी महिलाओं को लेकर सामने आते हैं, जब भी उनके उत्थान की बातें सामने आती है, तो कुछ ऐसी बातें आप बोल जाते हैं जो बाद में किसी महिला के महिला होने पर, महिला होने के एहसास के साथ ये बताता है कि वो आज के समय में आपके इर्द गिर्द रहकर किस तरीके से असहज महसूस करती हैं, असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। मंच पर महिलाएं सोच भी नहीं पाती हैं कि मुख्यमंत्री जी कब उनके लिए क्या बोल देंगे। ये वीडियो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो क्लिप हम आपको सुना रहे हैं कि महिलाओं को लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। आप महिलाओं को देखते हैं, आप पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कोई ठीक से पहन पाती थी? अभी बस समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सब के सब कितना बढ़िया पहनती। अब क्या हालत है इसको भूलिए मत, लेकिन तब हम लोग तो काम किए हैं, अब पहले काम नहीं हुआ है उसको भूलिएगा मत, नहीं तो एक बार अगर उसको भूलिएगा फिर इस तरह के लोगों को मौका मिलेगा तो खाली कमाते रहेगा और कोई काम नहीं होगा। इसके लोग चाहते हैं इस काम को करिए, और मुस्लिम लोगों के लिए भी कितना काम हम लोगों ने करवाया, सारा काम हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कराया। हमने बता दिया था कब्रिस्तान की घेराबंदी वाला काम कराए, तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया है, और मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब तरह से जो महिलाओं को लोग खोज लेते हैं तो आप ये बयान आप फिर सुनिए और सोचिए मुख्यमंत्री जी कि क्या सच में महिलाओं के लिए ऐसी बातें कहना आपको सही लगता है। महिलाओं को देखते हैं, आप पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कोई ठीक से पहन पाती थी? अभी बस समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सब के सब कितना बढ़िया पहनती। अब क्या हालत है इसको भूलिए मत, लेकिन तब हम लोग तो काम किए हैं, अब पहले काम नहीं हुआ है उसको भूलिएगा मत, नहीं तो एक बार अगर उसको भूलिएगा फिर इस तरह के लोगों को मौका मिलेगा तो खाली कमाते रहेगा और कोई काम नहीं होगा। इसलिए लोग चाहते हैं इस काम को करिए, और मुस्लिम लोगों के लिए भी कितना काम हम लोगों ने करवाया, सारा काम हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कराया। हमने बता दिया था कब्रिस्तान की घेराबंदी वाला काम कराए, तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया है, और मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब तरह से जो महिलाओं को लोग खोज लेते हैं तो आप, आपको तय करना है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप पर बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा जो बिहारी हैं वो बिहार के अपमान सम्मान गौरव हैं। अब बिहार के महिलाओं के, बिहार के नौजवानों के, बिहार के हर उस तबके, हर जमात, हर वर्ग के लोगों के लिए आप नुमाइंदगी करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि आप सूबे की सरकार हैं। आपसे हर किसी को उम्मीदें हैं, चाहे वो सत्ता के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला है, सबको इस बात की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री जी आप सम्मान करते हैं, आपने काम भी किया है, लेकिन आपकी छोटी छोटी बातें सोच को दर्शाती है। आपको अब तय करना है कि क्या ऐसे बयान सही है, ऐसे बयानों का समर्थन करना चाहिए, या ऐसे बयानों के लिए आपको फिर से अपने बगल में बैठी महिला मंत्री से माफी मांगना चाहिए, यह आपको तय करना है। हमारा मकसद आपकी बयानों पर, आपके भाषणों पर सवाल उठाना नहीं, हमारा मकसद बस यही है कि मुख्यमंत्री जी आप विपक्ष को कोसने के चक्कर में क्या बोल जाते हैं, इस बात का
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और आपको खुद तय करना होगा, क्या सच में महिलाएं 2005 के पहले या आपके शासन से पहले या जिस पहले की आप बात कर रहे हैं कुछ नहीं पहनती थी, और अब इतना कुछ पहनने लगी कि आपकी मंत्री भी पहनती है और आप देखते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।